हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, और आज मैंने सोचा कि आप लोगों को लाइव मैं ये बताऊं कि मेरे पास एक दो नहीं, पांच बड़े स्कूल्स की मैं वैकेंसीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए चल रही है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो बड़े स्कूल हैं यहाँ पे, आप अप्लाई जब करते हो, बड़ा हो छोटा हो, मतलब कोई भी स्कूल हो, अप्लाई जब करते हो तो अपने बायोडाटा के साथ साथ एक अपना लेटेस्ट फोटो जरूर खींचें और साथ में वो अटैच कर दें। और इसके अलावा एक डेमो वीडियो जरूर बना के रखें। डेमो वीडियो, अच्छा सा टीचिंग वीडियो, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस तरह का एक डेमो वीडियो बना लीजिए, ताकि उससे आपकी जो लाइक मेथोडोलॉजी है, ठीक है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बोलने की सारी बातों की एक बात, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आपने एक डेमो वीडियो भी, एक दो तीन डेमो वीडियो बना के रखिए और मेल कर दीजिए साथ साथ में अपने सीवी के साथ। ओके, तो आज की पांच स्कूलों की वैकेंसीज हैं, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, 3 साल हो गए लगातार मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हुए, जिसमें मैं सिर्फ जॉब्स के बारे में बता रहा हूं। अब मेरे नए वीडियोस ऐसे आएंगे जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी देता जाऊंगा, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, और मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी जॉब लग सके। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं कि अपने दोस्तों को जरूर बताया करें, उनकी भी हेल्प करें, ठीक है। अगर देखो, अगर आप दिल से किसी के लिए काम सोचोगे ना, ऊपर वाला आपका काम हमेशा एकदम कर देगा। ये मेरा तजुर्बा रहा है इन 3 सालों में। मैंने एक पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो उसमें चार्जेस रखे थे। तो मुझे पहली बार जब चार्जेस मैंने लिए, तो मुझे लगा कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बेइज्जती का काम ना हो जाए। लेकिन आई एम सो हैप्पी, वो पहली अपॉइंटमेंट के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट होता चला गया कि आज 125 से भी ज्यादा टीचर्स और लगभग 40 से भी ज्यादा प्रिंसिपल जो हैं ऑल ओवर इंडिया में, डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो दिल से काम करोगे ना, तो ऊपर वाला आपको दिल से, ऊपर वाला आपको मतलब समझ लीजिए, ऊपर वाला दिल से के देगा, ऊपर वाला आपको छप्पर फाड़ के देगा। तो आज के जो पांच स्कूल हैं उसके बारे में जानकारी शुरू करते हैं, वीडियो पूरा देखें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन शेयर करना नहीं भूलें। तो शुरू करते हैं आज की जानकारियां। तो दोस्तों, सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट स्कूल लाइक मानव मंगल हाई स्कूल, सेक्टर 21C, चंडीगढ़ में ये स्कूल है दोस्तों। इनकी काफी ज्यादा ब्रांचेज हैं और यहाँ पे हर पेरेंट चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, तो हर टीचर चाहता है मुझे यहाँ पे जॉब मिले। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो पहली वैकेंसी है, लेडी टीचर चाहिए साइंस के लिए, 5th क्लास से 6th क्लास के लिए, और क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड और एमएड, मतलब एनटीटी नहीं मांगा है। तो अगर आपने बीएड नहीं की है, बीएड जरूर करें। अगर आप उसमें हमारी हेल्प चाहते हैं, आप मेरे नंबर 9888506245 इस नंबर पर बीएड करने के लिए बात कर रहा हूँ, बीएड के बारे में कोई जानकारियाँ चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो हमें, मेरे को आप बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है लेडी टीचर की, वो भी साइंस के लिए, सेवन्थ एंड एट्थ के लिए। तो देखो, एक ही क्लास के इनके काफ़ी सेक्शंस हैं, इसलिए इनको चाहिए, और उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगी है। उसके अलावा हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए, क्लास 9th एंड 10th के लिए लेडी टीचर की ही रिक्वायरमेंट है, फिर से क्वालिफिकेशन द सेम जो कि अभी आपने देखी है। बहुत रिनॉन्ड स्कूल है, यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, 50,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर। ओके, सैलरी के मामले में यहाँ पे कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो एडुकेटर शुड हैव प्लेजिंग पर्सनैलिटी, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, यू शुड हैव गुड पर्सनैलिटी, एक्सेलेंट अकेडमिक रिकॉर्ड, पहले आपके किन स्कूलों में काम किया है डिपेंड करता है इस बात पे। चाइल्ड फ्रेंडली पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चों को इस तरह से पढ़ाओ कि मज़ा आ जाए, बच्चे भी खुश हो जाएं, आपके फ़ैन बन जाएं। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर की नॉलेज होना आज की डेट में कंपलसरी के साथ साथ ज़रूरी भी है दोस्तों, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी, इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है आज की डेट में। तो वो आप सीख लो अगर नहीं सीखा है तो, अच्छी तरीके से उसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, बेसिक चीज़ें सीख लो। इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और रिलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का।
रिम्यूनरेशन की अगर बात करें तो आपको रिस्पेक्टेबल सैलरी स्केल तो मिलेगा, पीएफ बेनिफिट मिलेंगे एट 12% और ग्रेचुटी बेनिफिट भी इसके अलावा सैलरी के अलावा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्केल इस स्कूल में आसानी से मिल सकता है अगर सारे पैरामीटर पर आप खरे उतरते हो तो। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो उसकी एनसीईआरटी से ही तैयारी कर लो, पर तैयारी करके जाओ अच्छे तरीके से, पूरी बुक रट डालो अच्छे तरीके से, डेमोन्स्ट्रेशन की पूरी तैयारी करो, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो, इंटरव्यू की अच्छे तरीके से तैयारी करो। ठीक है, अब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। इन केस यू फुलफिल आर रिक्वायरमेंट प्लीज अप्लाई लेटेस्ट बाय जनवरी 31, 2023। लेट हूँ लेकिन ऑन द प्रस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ ₹50 अवेलेबल फ्रॉम आर स्कूल ऑफिस। तो स्कूल ऑफिस में ये ₹50 का फॉर्म मिलेगा 31 जनवरी तक, वैसे लिखा है, लेकिन अगर आप लेट हो गए फिर भी, अगर चंडीगढ़ के रहने वाले हैं तो आज ही चले जाएं, लेकिन अगर लेट हैं तो भी एक और जाकर के पता करें क्योंकि इनकी काफ़ी ब्रांचेज हैं। अब इंटरव्यू की बात करें, एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्टेड ऑन मेरिट बेसिस विल बी कॉल्ड टू गो थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ क्लास टीचिंग। ठीक है, इंटरव्यू कम क्लासरूम टीचिंग ट्रायल, मैंने इस पर एक आपको वीडियो भी बना के दिया है कि कैसे आप तैयारी करें, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा आप लोगों के लिए। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी करके जब तक आप अच्छे तरीके से, आप मान लीजिए आपको बुला ही लिया है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि जॉब के लिए जा रहे हो दोस्तों। ओके, तो इसलिए डेमो की तैयारी अच्छी तरह से करनी है। अब दूसरे स्कूल की बात करें जहाँ पर स्टाफ रिक्वायरमेंट चल रही हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर की। इसके अलावा PGT इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी रिनॉन्ड स्कूल है जिसकी वैकेंसीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें अभी तक। ठीक है, और इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स भी चाहिए इन्हें साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के लिए। तो कुल मिला के PGT, TGT, PRT ऑल सब्जेक्ट ही समझ के चलिए, PRT स्पोर्ट्स एंड आर्ट की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट चल रही हैं। प्री प्राइमरी एडुकेटर्स विद एंटिटी मॉन्टेसोरी ट्रेनिंग कैन अप्लाई, ये वैकेंसीज भी ओपन हैं। डांस टीचर, वेस्टर्न डांस टीचर की यहाँ पे आप लोगों के लिए वैकेंसी ओपन है दोस्तों। ये जितने भी स्कूल मैं आपको आज पांच के पांच बता रहा हूँ रिनॉन्ड स्कूल हैं, चंडीगढ़ के, मोहाली के, पंचकूला के, जहाँ पे एक और डेट नहीं निकलनी चाहिए, कोशिश करनी है आपने, फटाफट जाना है स्कूल और अपना फॉर्म भर के आ जाना है। यहाँ बच्चों की एडमिशनें भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ड्रॉ सिस्टम रहता है, तो देखिए जब स्कूल इतने रिनॉन्ड हैं तो टीचर की जॉब भी जो निकलती है वो पता लगने की देर है, एकदम फटाफट सारे एडुकेटर्स पहुंच जाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप भी देर मत करना। ठीक है, स्टेम एडुकेटर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और स्टेम एडुकेटर होना चाहिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला, जिनके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वही अप्लाई करें स्टेम एडुकेटर के लिए। अब रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर बता देता हूँ। इन स्कूल में आपने जाना है और ₹100 का एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और 6 फरवरी तक आपने अप्लाई कर देना है, उसको फिल कर देना है, जमा कर देना है और उस पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो जो रिटर्न एग्ज़ाम है फॉर पोस्ट 1 to 4 11 फरवरी शनिवार को 10 बजे रिटर्न टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी आप आधा घंटा पहले ही पहुँचें। स्कूल का जो नाम है शेमरॉक स्कूल, सेक्टर 69 मोहाली में है। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है तो इन्होंने अपना नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉल करके इनसे पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगर आप मान लीजिए वहाँ नहीं जा सकते हैं तो इन्हें मेल कर दीजिए आप अपना बायोडाटा। मेरी सजेशन रहती है हर बार, कई बार लोग बोलते हैं कि सर लास्ट डेट तो निकल गई, तो लास्ट डेट अगर निकल गई है तो आप मेल कर दीजिए। अगर मान लीजिए उनकी जो पैरामीटर पर फुलफिल नहीं हो पाए हैं कैंडिडेट, हो सकता है आपका CV कंसिडर हो जाए। ठीक है, अब तीसरे स्कूल की बात करते हैं। ब्लू बर्ड हाई स्कूल एक सीनियर सेकेंडरी ये स्कूल है, सेक्टर 16A पंचकुला में, CBSE से अफिलेटेड ये स्कूल है और इनकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से स्कूल की पूरी जानकारी मिल जाएगी ब्लू बर्ड स्कूल .org। यहाँ पर
टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले प्री प्राइमरी टीचर्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बीएड ही हो, आपने अगर एनटीटी भी की है, ग्रेजुएशन के साथ साथ एनटीटी भी की है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। असल में दोस्तों कई स्कूलों में एनटीटी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बीएड ही चाहिए जी, कई जगह चल जाता है। इसके अलावा यहाँ लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट है, बी लीव एम लीव अप्लाई कर सकते हैं। म्यूज़िक डांस टीचर की रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइन आर्ट टीचर की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब कैसे अप्लाई करना है, यू हैव टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम स्कूल रिसेप्शन। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, या तो आपको स्कूल की रिसेप्शन पे मिल जाएगा या फिर आपको इनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। और आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो फिल करनी है फिर, तो 10 फरवरी 2023 तक ये वहाँ जमा करवा देनी है। ओके, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड टेस्ट। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बार बार बताया था कि अगर आपको 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार ऐसी सैलरी वाले स्कूल चाहिए, भाई उनके पूरे पैरामीटर आपको क्लियर करने पड़ेंगे। टीचर्स शुड बी एम्पैथेटिक, हैविंग एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वेल वर्स्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। अब चौथे स्कूल की बात करते हैं जिसका नाम है मोतीराम आर्या सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल। ये सेक्टर 27A चंडीगढ़ में है। इनका ईमेल एड्रेस मैं पहले से ही आपको दिखा रहा हूँ और फ़ोन नंबर भी है, इस नंबर पे कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आप मेरा नाम ले सकते हो कि आपको कैसे पता लगा, कैसे जानकारी मिली, तो यू कैन टेल देम दैट सुनील कौशल सर के यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमें ये जानकारी मिली है। और PGT इंग्लिश, PRT इंग्लिश, PRT मैथ्स और PRT हिंदी, कंप्यूटर टीचर, ये सारी वैकेंसीज इस स्कूल में आप लोगों के लिए ओपन हैं। इसके अलावा यहाँ पर डांस टीचर की रिक्वायरमेंट्स हैं, PGT बायोलॉजी टीचर की रिक्वायरमेंट है, PGT म्यूज़िक, PGT फाइन आर्ट्स, नर्सरी टीचर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए चल रही हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का, और फॉर्म जो है स्कूल में आपको 9 बजे से 1 बजे के बीच में मिल जाएगा। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 10 फरवरी 2023। 10 फरवरी 2023 तक आप अपनी एप्लीकेशंस यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। तो अभी तक ये 4 स्कूल जो मैंने आपको बता चुका हूँ, अभी 5वां स्कूल आने वाला है। लेकिन दोस्तों आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दें, आपकी एक मोटिवेशन मिलती है मुझे भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली जो वैकेंसी है 5वां स्कूल है, वहाँ पे निकली है वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी। ए स्कूल ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड रेप्यूट रिक्वायर्स सर्विसेज ऑफ ए वाइस प्रिंसिपल एट इट्स CBSE अफिलेटेड मोहाली ब्रांच। मोहाली की एक ब्रांच में CBSE अफिलेटेड स्कूल है जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी ओपन है दोस्तों, जिसके लिए मांगी गई है MA, MSc, MEd, BEd, एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, और साथ में कम से कम 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड अफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, और 3 साल का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड यू शुड हैव इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स। पे स्केल एज पर 6th Pay Commission ऑफ पंजाब, स्टार्टिंग सैलरी कमेंसुरेट विद द एक्सपीरियंस एंड कैलिबर ऑफ द कैंडिडेट, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी फैसिलिटी एज पर रूल्स। So suitable candidates to mail their detailed resume at employments2023@gmail.com latest by Feb 6, 2023। 6 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को फिर कॉल की जाएगी रिटन टेस्ट के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में हमारे बहुत सारे स्कूलों से टाई अप चल रहे हैं, उसके लिए पर्सनली हम पर्सनल इंटरव्यू आपके करवा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक पर्सनल रिकमेंडेशन मेंबरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, वो भी ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे नंबर 9888506245 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है बहुत नॉमिनल फीस पे, जिसमें ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।